बेच रहे हैं 399 में 1000 सब्सक्राइबर अगर हमारा कोई ऑडियंस खरीद लेता है और 4000 घंटे का वॉच टाइम खरीद लेता है, बड़े यूट्यूबर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है जो यूट्यूब के टिप्स देने वाले है अगर उन सबका वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप अगर कभी भी आप उन जैसे कभी भी एक यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन सबका अगर आप वीडियो को देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप उनका वीडियो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कितना वो लोग सच्चाई बताते हैं और कितना गलत भी आपको तरीका बताते हैं, खुद जो तरीका यूज करते हैं वो आपको कभी भी नहीं बताते हैं। इसलिए आप लोग आप हो या चाहे हम है कोई भी जो जितने ही बड़े यूट्यूबर हैं उनका हम वीडियो देखते हैं और हम उनका तो वीडियो देखते तो हमसे वो अपना मतलब अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं पर हमारा चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, हम उनके ट्रिक को हर जितने भी वीडियो वो लोग बनाते हैं कभी सब्सक्राइबर ये कैसे बढ़ाएं, कभी वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, कभी कोई कोई वीडियो बनाता है कि 500 में सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर 400 घंटा वॉच टाइम आपको मिल जाएगा, वॉच टाइम खरीद करके अपने चैनल को मोनेटाइज करा लो। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो बहुत बड़े यूट्यूबर है जो बहुत सारे यूट्यूबर है जिन्होंने भी ये सब वीडियो बनाया है और खुद का कोई भी अपने जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं खुद अपने चैनल को पैसा खर्च करके अपने चैनल को ग्रो नहीं किया है। क्योंकि देखिए और आप पैसा देकर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं, अपने चैनल को वॉच टाइम खरीद लेते हैं तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका समझ आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम आप पूरा खरीद लेते हैं उसके बाद दोस्तों जब आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आएगा तो आप उससे अर्निंग कैसे कर पाएंगे। जब आप कोई वीडियो बनाएंगे तो उस पर वीडियो पर व्यूज ही नहीं आएगा, जब आपको कोई वीडियो देखेगा ही नहीं तो आप चैनल पर अर्निंग कैसे होगा। तो इसलिए दोस्तों जब आपको अपना वीडियो कंटेंट जो रियल कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं जो वीडियो को देखकर लोग आपके वीडियो को देखकर जो लोग सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल पे हमेशा सब्सक्राइबर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों उससे क्या होता है आपके चैनल पे हमेशा व्यूज आते रहता है। समझ लीजिए आप 1000 सब्सक्राइबर खरीद लीजिए और 4000 घंटा वॉच टाइम खरीद लीजिए तो उससे आपको चैनल आगे कभी भी दिक्कत आ सकता है, यूट्यूब आपके चैनल को कभी भी डिलीट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत डिलीट कर देगा, आपको कुछ दिन के बाद साल दो साल तीन साल कभी भी जब भी आपका चैनल यूट्यूब की नज़र में जाता है तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब आपको डिलीट कर देता है, आपका चैनल जो रहेगा वो डिलीट कर देगा। तो इस सब से बचने के लिए दोस्तों आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिए, गलत तरीके से आप अपने चैनल को मोनेटाइज मत कीजिए, आप वीडियो रेगुलर डालते रहिए। आप जितने रेगुलर वीडियो डालेंगे तो इस सब का प्रूफ मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी यूट्यूबर चारों यूट्यूबर एक साथ जुटे हुए उनका मैं आपको एक वीडियो का क्लिप दिखा देता हूँ, उन्होंने खुद बोला है। तो सबसे पहले सर आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए कितने रुपए खर्च किए या नहीं किए, इस बात का सर इस बात का जवाब सर चाहता हूँ। अगर नहीं किए तो सर ऑडियंस को साफ बताइए। भाई साहब अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं यूट्यूब पे आता ही क्यों। बहुत अच्छी बात और मैं सुनना चाह रहा था और बहुत अच्छी बात लगी सर आपने मतलब एक भी रुपए नहीं खर्च किए और यूट्यूब से आपने बहुत बढ़िया जो है वो पकड़ा। अब हमारे जो है मनोज भाई सेम सवाल मनोज भाई से पूछेंगे। मनोज भाई के बारे में तो हम लोग सब बायोग्राफी जानते हैं, कहां से उठे कहां पे आए कहां से वो हुए, फिर भी ऑडियंस के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या मनोज भाई कभी भी आपको ऐसा लगा या फिर ऐसा मन में आया कि मैं पैसे देके यूट्यूब चैनल ग्रो करा लेता हूं या फिर एडसेंस को वेरीफाई करा लेता हूं या मोनेटाइज करा लेता हूं, अभी मतलब कभी भी ऐसा आपके मन में सवाल आया। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, उस टाइम तो मैं खुद स्टूडेंट था पढ़ाई करता था और पापा साइकिल दुकान चलाते थे तो वो कहां से पैसा ला के देंगे और मैं तो पैसा कभी कमाता सेम ही आंसर हो गया ना पैसा ही मतलब कुल मिला के दोस्तों बात करें तो किसी ने भी यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए या फिर यूट्यूब चैनल को ग्रो होने के लिए मौर्या जी दिए हैं 4-5 लाख रुपए खर्च नहीं किया। अरे मौर्या जी क्या बोलेंगे, मौर्या जी के बारे में हम जानते हैं 2015 था ना तब से उनको हम जानते हैं, वो क्या पैसा देंगे, वो जब से हमें मनोज ने भाई ने तो हमें सपोर्ट किया जब चैनल बंद हुआ कि भाई का चैनल बंद हो गया इन्हें सपोर्ट कीजिए। तो कुल मिला के दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि किसी ने यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं किए। लेकिन सर अब आप गुरु हैं, आप हम लोग सबसे सीनियर हैं, बस सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूब पे चल रहा है कि कोर्स खरीद लो सब्सक्राइबर बढ़वा लो 500 में 5000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर बेच रहे थे मनोज भाई को अभी रखेंगे साइड में, मनोज भाई से पूछेंगे अभी पहले बात करते हैं। तो ये सर जो कहानी चल रही है
इसके पीछे का कुछ बताइए। हमने तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए, आप सबसे बड़े, हमने तो 1 रुपए खर्च नहीं किया यूट्यूब। देखो मेरा मानना इसमें यह है कि अगर किसी कोई कोर्स बेच रहा है और कोई खरीद रहा है और दोनों खुश है तो कोई टेंशन नहीं है, भाई खरीदो बेचो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कोर्स के नाम पे सपने खरीद रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद आपका सवाल खत्म हो जाएगा। जी, जो लोग कोर्स बना के बेच रहे हैं उन्होंने खुद ने कहीं से कोर्स ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, इस बात पर चल लिया और यही मैं सुनना चाहता था। बहुत तो सर ये कह रहे, ये तो हो गई कोर्स की बात, इसे चलिए साइड करते हैं। अब सर मुद्दे पे आते हैं, क्या अगर मैं 1,000 रुपए देके अपने 1,000 सब्सक्राइबर बढ़वा लेता हूँ और 4,000 घंटे का वॉच टाइम 4,000 रुपए देके कर लेता हूँ, और उसके बाद मान लीजिए मेरा चैनल मोनेटाइज करा लेता हूँ। मनोज भाई 399 में इंस्टा पे बेच रहे थे, इनकी फोटो लगा के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब समझिए मनोज भाई का फोटो लगाया और एड चला रहे कि मनोज भाई फोटो बेच रहे हैं 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटा। चलिए लोग आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे पैसा दो, वो उसका चल हैक कर लेता है, वो फिर मेरे पास आता है। अभी एक बात करेंगे मनोज भाई, मनोज भाई से ही पूछ लेते हैं। मनोज भाई कितना बताए, 399, 1,000 सब्सक्राइबर, 399 में 1,000 सब्सक्राइबर अगर हमारा कोई ऑडियंस खरीद लेता है और 4,000 घंटे का वॉच टाइम खरीद लेता है तो क्या उसका पेमेंट आ जाएगा यूट्यूब से? सच सच बताइएगा दिल से। वो फिर 1,000 में रुक जाएगा। नहीं मेरे को तो अभी इसी बात में डाउट है कि क्या सच में ऐसा हो, मिलता भी है क्या सब्सक्राइबर वॉच टाइम? हाँ जी पैनल से मिलता है, पैसा दीजिए सब्सक्राइबर दे देगा। और सर देखिए वो वैलिड रहता है, वैलिड रहता है सब्सक्राइब चैनल मोनेटाइज, उसका चैनल फिर कुछ सस्टेन कर पाएगा आगे? नहीं तो सर अगर कोई सब्सक्राइबर आ जाता है, वीडियो देखता ही नहीं है तो फिर पैसे का एक बात और सर नहीं, मैं खुद का रेस्टोरेंट खोल के अपनी फैमिली को खाना खिलाता रहूँ। अब एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, ये वॉच टाइम पेड सब्सक्राइबर, वॉच टाइम 7,000 रुपए में वॉच टाइम चैनल मोनेटाइज करके मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसके बाद डॉलर ट्रिक एक चल रहा है, वो बहुत पहले से चल रहा है लेकिन आपको ज्यादा, क्या आपको लगता है कि यूट्यूब किसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए कि वो 100% मतलब किस तरीके से गुमराह कर रहा है लोगों को? देखो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें करते हैं, कुछ लोग मान लो सफल भी हो जाए इसमें, लेकिन एक दिन उनका चैनल उड़ जाएगा, फिर वो रोएगा कि YouTube बेकार है, YouTube ने ऐसा धोखा कर दिया, YouTube को ही ब्लेम कर देगा। अच्छा सर ये वीडियो में इन्होंने खुद बोला है कि मतलब आप 1000 सब्सक्राइबर चैनल वॉच टाइम खरीदने के बाद आप अपने चैनल से अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे और आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपना कंटेंट अपलोड कीजिए, आप अपने वीडियो को दिखाकर लोगों को, आपका अपना वीडियो लोगों तक पहुंचाकर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ऐसा नहीं कि मतलब आप सब्सक्राइबर खरीद लिए, वॉच टाइम खरीद लिए, उससे आपके चैनल पर कभी भी दिक्कत आ सकता है। तो इस सब बचने के लिए दोस्तों आप अपने वीडियो में अच्छे से ऐसे कंटेंट अपलोड कीजिए जो भी मतलब जिस चीज़ की भी आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में सही जानकारी दीजिए लोगों को। जब आपका वीडियो लोगों को अच्छा लगेगा तो आपकी वीडियो को आपके वीडियो को देखेंगे और साथ में दोस्तों आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अपने वीडियो में जो भी जानकारी दे रहे हैं सब कुछ सही सही दे, किसी भी मतलब गलत तरीके का जानकारी मत दे ताकि दूसरे जो भी आपकी वीडियो को देखे उनके मन में ठेस आए और आपके चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आप ऐसा वीडियो बनाइए कि जो लोग आपके वीडियो देखें वो वीडियो देखते उसको मन कर दे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस तरह से आपको वीडियो बनाना है और इस तरह से बड़े यूट्यूबर का आप वीडियो हमेशा देखते रह जाएंगे और कभी भी आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। आप लोग अपने दिमाग कुछ यूज कीजिए, अपने हिसाब से उसमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालिए, जो ये लोग बोलते हैं उसके हिसाब से आप लोग मत करिए। अगर आप वीडियो में टाइटल आपने जो भी जिस भी कैटेगरी का आपने वीडियो बनाया है उस कैटेगरी का आपको टाइटल टैग डालना है। टैग कैसे डालना है देखिए, जिस टाइप का मतलब आपने वीडियो जिस कैटेगरी का वीडियो बनाया उसी कैटेगरी का आपको क्या करना है, लोग कैसे इसको वीडियो को सर्च करके लाते हैं सिर्फ उसी टाइप के आपको अपने वीडियो में टैग डालना है। उससे क्या आपका वीडियो जब लोग सर्च करेंगे तो आपका वीडियो वहाँ पे जाएगा और आपका वीडियो लोग वहाँ पे देख पाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप देख सकें।